हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडलर एकेडमी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जॉन कीट्स की पोइट्री एंडीमियॉन। तो स्टूडेंट्स, आज इस पोइट्री को हमने तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि जॉन कीट्स कौन था और उसके मेजर राइटिंग्स क्या थे, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इस पोइट्री जो कि एंडीमियॉन है, इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। थर्ड और लास्ट सेक्शन जो है वो हमारा इस पोइट्री की जो हमारी बुक में है इसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे और समझेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं और अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो स्टूडेंट्स, एंडीमियॉन की स्टोरी कुछ यूँ है कि एंडीमियॉन जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है, एक इमेजरी है एक शेफर्ड की, जो कि जंगलों में भेड़ बकरियां चराता था। और उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए ख़ास तौर पे जब वो चौदहवीं की रात को जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, तो वहाँ पर वो अपने जानवरों को रात के वक्त ले जाया करता था और एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर जो है वो सब मंजर देखा करता था। और इत्तफाकन उसका गुजर एक दिन एक ऐसी पहाड़ी से हुआ, एक मैथोलॉजिकल गॉडेस हैं सिंथिया, ठीक है, उनका तारुफ कराता चलूँ आपको। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उनको शेफर्ड को नहीं पता था कि ये एक जो है गॉडेस है। तो उसने तारीफ में ये कुछ लाइंस कहीं उसे, तो और गॉडेस जो कि एक आम इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, उसे मोहब्बत हो गई और ये कहानी आगे चलती रही और जगह बाद दीगरे मिलते रहे। और इसी तरह ही एक दिन ऐसा आया जब ये बात उनके खुदाओं में भी फैलने लगी, तब जो है सिंथिया ने एक स्टेप लिया और अपनी जो है वो इस मोहब्बत को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये एक स्टोरी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन कीट्स जो है वो एक ऐसे राइटर हैं जो ऐसा साथ पे यकीन रखते हैं, और उनकी खुद की लाइफ एक बहुत बड़ी तजर्बा गाह है उनके लिए, और उन्होंने इसी का ही जो है वो डिपिक्शन अपनी पोइट्री में किया है। उनकी एक लवर थी फैनी ब्राउन, ठीक है, जिनसे उनका अफेयर था और उनसे वो प्यार करते थे। और साथ में ही मैं आपको बताता चलूं कि फैनी ब्राउन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर है जॉन कीट्स की ज़िंदगी में, जो कंपेल करता है जॉन कीट्स को राइटिंग के लिए। और जॉन कीट्स अपनी पोइट्री में सारे जो है वो ऐसा साथ जो है वो अपने वर्ड्स के थ्रू फैनी ब्राउन को कह देता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी भी कुछ इसी तरह की डिपिक्शन है, और राइटर्स जो उनके फेलो राइटर्स हैं जॉन कीट्स के, उनके बारे में ये ख्याल रखते हैं कि वो एक जो है ना ग्रीक राइटर थे तो वो इंग्लिश राइटर, लेकिन उनकी जो सोच थी वो ग्रीक थी, ग्रीक मिथोलॉजिकली उनकी एक जिसको कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो जज्बात होते हैं वो उनके ग्रीक थे, ग्रीस से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम जानते हैं जो थर्ड और लास्ट हमारा डिस्कशन है इस पोइट्री का, कि इस पोइट्री में जॉन कीट्स ने हमें क्या बताया है और क्या सीखा। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स की इस पोइट्री एंडीमियॉन में जो स्टार्टिंग लाइन ही बहुत ज़बरदस्त है, वो कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कि एक खूबसूरत चीज़ हमेशा की तस्कीन देती है, खुशी देती है। तो मैं इस पोइट्री को एलेबोरेट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो डोंट बी एम्बिगस इन दिस, कि जी पहली जो चीज़ है वो ये है कि ओड टू ग्रीशियन अर्न, ठीक है, और दूसरी जो है ये जो पोइट्री हम पढ़ रहे हैं एंडीमियॉन, इनमें बहुत सी मुमासलत है, वो ये कि ओड टू जो है वो ग्रीशियन अर्न वो भी इसी बारे में ही हमें बताता है कि खूबसूरती जो है वो हमेशा रहने वाली है, कि उसमें वो एक डिपिक्शन करता है एक पाइपर की जो कि अपनी महबूबा के लिए गीत गा रहा है, बज़ाहिर कि वो एक अर्न में सिर्फ एक तस्वीर है और कुछ भी नहीं सिवाय उसके, लेकिन फिर भी वो ऐसे जाहिर करता है कि वो ज़िंदा है और गीत अभी भी गा रहा है। तो इसी तरह ही हम इस पोइट्री में भी यही डिस्कशन करते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कि एक खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाली और खूबसूरत रहने वाली है और को तस्कीन देने वाली है। इसी तरह राइटर हमें आगे बताता है, पोइट हमें आगे बताता है कि इस पोइट्री में हम दुनिया की तमाम चीज़ें जो भी खूबसूरत हैं वो एक दायमी खुशी का सबब है, और हम कितनी ही दुख और परेशानी में हों, लेकिन अगर हम किसी खूबसूरत चीज़ को देख लें तो हम उस गम को, उस दुख को भूल जाते हैं और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं उस खूबसूरती की तरफ, जो हमें उस गम के एहसास को भुलाने में मदद देती है। शायर हमें बताता है कि इस नज़म में जो मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट है वो ये कहता है कि जो लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी भी रूहों की अपनी एक खूबसूरती है, ठीक है, कि वो हम पर से एक गलाफ उठा देती
कहती हैं कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से गुजारें, उसको जो है खुश व खुर्रम तरीके से गुजारें। और यही मौत को भी देखें, ट्रिक जो है राइटर की, किस तरह स्टाइल वो अपने डिफ़ाइन कर रहा है कि डेथ को भी उसने कन्वर्टेड इनटू ब्यूटी। अदरवाइज एक मौत जो है वो हमारे नज़दीक एक ऐसा मंजर है जो कि जिसको हम हॉरिफाइंग मोमेंट कहते हैं, खौफनाक या हौलनाक हम कहते हैं, लेकिन दरअसल राइटर ने उसको भी इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि उसको हम ये कहें कि उसने एक इतने खूबसूरत तरीके से हमें इसकी एग्जाम्पल दे दी कि मौत भी एक खूबसूरत लम्हा है और हमें ये बताता है कि हम जिंदा नहीं रहने वाले हमेशा के लिए, और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। और हमारे ज़मीर पर जो पर्दा डला हुआ है, ठीक है, अना का, धोखाधड़ी का और किसी भी किस्म की बुराई का, उसको हटा दें। जॉन कीट्स हमें बताता है, एग्जाम्पल देता है कि जो आबे हयात है वो भी एक दिन ख़त्म होने वाला है। कि हम ये कहते हैं कि जी जो लीथ वाटर, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं लीथ वाटर, ठीक है, यानी कि आबे हयात, वो भी एक दिन ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म कैसे होगा, ये कहते हैं कि जी एक कहानी है, उसमें कहानी का रुख ये है कि एक शख्स ने आबे हयात पी लिया था और फिर वो ना जी रहा था ना मर रहा था, ठीक है। और ये कहानी जो है वो डॉक्टर फास्टस की कहानी है, जब उसने एक ख्वाहिश की थी अपने डेविल से कि मुझे ऐसी ताकत दो, जो मुझे आबे हयात दो कि मैं पी लूँ और फिर जो है मेरी मौत ही वाकया ना हो, तो ना मेरी मौत वाकया होगी और ना हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो। एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्रिस्टोफर मार्लो का, ठीक है, और मैं ज़रूर उसकी एक दिन एलैबोरेशन लेके आऊँगा, आज ऐड नहीं करता लेकिन इंशाल्लाह आगे ज़रूर इसकी आपको समरी बताऊँगा। तो लीथ वाटर अगर कोई इंसान पी ले तो फिर वो आबे जो है वो कभी नहीं मरता। लेकिन यहाँ पर जॉन कीट्स ये कहता है कि अगर आपने आबे हयात पी भी लिया है तो आप फिर भी एक दिन वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, आप मौत की तरफ रागिब हो ही जाएंगे। और वो कैसे होगा, जब आखिरी दिन आएगा, डे ऑफ जजमेंट आएगा, तो आप वहाँ पर मर के ज़रूर उठेंगे। और क्रिश्चियनिटी में ये वादा है, क्योंकि आपको पता है कि वो कैथोलिक थे, तो उनका ये मानना था कि एक दिन इंसानों ने मर के ज़रूर उठना है और खुदा ने उनको उठाना है। तो उनके कहने के मुताबिक आबे हयात पीने वाले लोग भी एक दिन मरकर ज़रूर उठेंगे, और इसमें भी एक खूबसूरती है कि उनका ज़रूर इख्तिताम होगा। और इसी खूबसूरती के ज़रिए वो अपनी इस नज़म का इख्तिताम करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये नज़म पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी नॉलेज पास करें ताकि मेरा मिशन पूरा हो सके। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।